वो भी एक बार दर्शकों को बता देते हैं। तो देखिए, जयपुर बम ब्लास्ट केस में इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया है, लेकिन अपील स्वीकार करते हुए निचली अदालत के रिकॉर्ड को तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रिकॉर्ड आने के बाद मामले पर सुनवाई करेंगे और 17 मई को आपको बता दें कि राजेश्वरी देवी और अन्य की अपील पर अगली सुनवाई होगी। तो देखिए, बड़ी खबर यहां पर सामने आई है और पीड़ितों की ओर से सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह, इसके साथ ही शिवमंगल शर्मा और अधिवक्ता आदित्य जैन ने अपना मामले में पक्ष रखा। और हमारे सहयोगी अरविंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो अरविंद, देखिए, एक और अपडेट यहां पर सामने आ गई है कि जो पीड़ित हैं राजेश्वरी देवी और अन्य जिनकी अपील यहां पर लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में, अब 17 मई को जो है आगे इसकी सुनवाई होनी है। अरविंद, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, तो फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे अरविंद से। लेकिन देखिए, मामला बड़ा, जिस तरीके से 2008 में राजस्थान की राजधानी जयपुर में सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक बम ब्लास्ट हुए थे, 71 लोगों की जान चली गई थी जबकि 185 लोग घायल हो गए थे, उस मामले में हाईकोर्ट की तरफ से दोषियों को बरी किया गया और इसके खिलाफ हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जो पीड़ित परिवार हैं उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। सुप्रीम कोर्ट में आज पहली सुनवाई हुई और जो है यहाँ पर स्वीकार कर लिया गया है सुनवाई के लिए इस मामले को। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया है, लेकिन अपील स्वीकार करते हुए निचली अदालत के रिकॉर्ड्स को तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिकॉर्ड आने के बाद मामले पर सुनवाई होगी और 17 मई को राजेश्वरी देवी और अन्य की अपील, यानी कि जो पीड़ित हैं उनकी अपील पर 17 मई को अगली सुनवाई होगी। पीड़ितों की ओर से सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह, शिवमंगल शर्मा और अधिवक्ता आदित्य जैन ने मामले में पक्ष रखा। वैसे में राज्य सरकार की तरफ से भी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और उस मामले में और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। चतुर्वेदी जी, बहुत स्वागत है आपका। देखिए, जयपुर में जिस तरीके से बम ब्लास्ट हुए थे उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब जो है कहा गया है कि 17 मई को पीड़ितों की तरफ से जो याचिका दायर की गई उसमें सुनवाई होगी। इसके साथ के साथ राज्य सरकार को और जो चारों दोषी हैं उनके खिलाफ भी नोटिस जारी कर दिया गया है। बिल्कुल, जिसमें एक लंबी, मुझे लगता है कि न्याय के प्रति विश्वास की बात जमी है। जिस तरह से पहले ट्रायल कोर्ट में इनको फांसी की सजा हुई और राज्य सरकार की ढिलाई के कारण, लचर पैरवी उसके कारण से इनको सबको रिहा होने का मार्ग प्रशस्त हुआ, उसको देखते हुए दोनों पीड़ित परिवार भारतीय जनता पार्टी ने उन सबको लेकर के कचल भी दायर की थी और परसों उस सबको आज सुनवाई जाए उस पर नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने डाली। मुझे विश्वास है कि न्याय की जिस तरह की प्रक्रिया है उसमें आज आतंक के ऊपर एक करारी चोट लगने की सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद इसकी सुनवाई को नोटिस जारी करने के बाद एक विश्वास जगा है कि न्याय प्रक्रिया में इस तरह के आतंकवादियों को बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। इस तरह के एविडेंस है, सबसे लगता है कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा और ऐसे लोगों को जो उनका नियत स्थान है वो जाने के मिलेगा। राजस्थान सरकार को जो ढिलाई रही वो भी अभी दबाव नहीं बनता तो शायद एसएलपी में और विलंब करते, जबकि 12 तारीख को पीड़ित पक्षों ने अपनी एसएलपी कर दी और परसों जाकर के राजस्थान सरकार अपनी एसएलपी पर दायर कर पाई, ये दुर्भाग्य पहुंची। अरुण जी, देखिए, ऐसा पूरे मामले में यहाँ पर यह भी बात सामने आई कि हाईकोर्ट की तरफ से जो फैसला सुनाया गया था उसमें ये बात सामने आई कि जो अधिकारी थे, जिनकी तरफ जो जांच अधिकारी थे उनकी तरफ से कहीं ना कहीं लापरवाही हुई, जो पूरे साक्ष्य थे वो यहाँ पर नहीं जुटा पाए और उसकी वजह से हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सामने आया। तो ऐसे में जो जिन अधिकारियों की तरफ से लापरवाही की गई उनके खिलाफ किस तरीके से एक्शन लिया जाना चाहिए, अब तक एक्शन हुआ नहीं है, उसको लेकर क्या कहें? मैं राजस्थान के उच्च न्यायालय के द्वारा जो आदेश दिया गया था, मूल चीज है कि जिन गवाहियों के आधार पर, जिन तथ्यों के आधार पर ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा दी, वही तथ्य थे, वही गवाहियां थी, वही दस्तावेज थे जिनके आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने उनको बरी करने का आदेश दिया। निश्चित रूप से अगर इसकी पैरवी ठीक तरह से होती और सरकार ने इसको गंभीरता से लिया होता, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने आज देखिए 48 पेशी में एक भी पेशी पर एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल नहीं रहे,
छोटे छोटे मामले में राजस्थान की सरकार सुप्रीम कोर्ट से बड़े बड़े वकीलों को लाती है, मोटी फीस देती है। इतने गंभीर मामले में जिसना सारा जयपुर छलनी हो गया था, हर जाति समाज का व्यक्ति इसमें मरा था, घायल हुआ था, उस मामले में राजस्थान सरकार ने पूरी तरह से लचर पैदा करते हुए एक भी सुप्रीम कोर्ट के वकील को नहीं लेकर आई, जिससे इन आतंकियों के रिहा होने का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है अरुण जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका वक्त देने के लिए। तो देखिए बड़ा यहाँ पर आपको बता दें कि पूरा ये मामला और जिस तरीके से जयपुर में लगातार सिलसिलेवार तरीके से बम ब्लास्ट हुए थे और उस पूरे घटनाक्रम ने पूरे जयपुर को छलनी कर दिया था। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में आज से सुनवाई जो है वो शुरू हुई है। और हमारे साथ एडवोकेट हेमंत नहाता जी जुड़ गए हैं। नहाता जी बहुत स्वागत है आपका। लेकिन देखिए जिस तरीके से जयपुर का बॉम्ब ब्लास्ट का ये पूरा मामला और लगातार इसको लेकर हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आया था, उसको लेकर चुनौती देते हुए पीड़ितों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अर्जी जो है वो यहाँ पर स्वीकार कर ली गई है। सुनवाई को लेकर भी तारीख सामने आ गई है, एक सुनवाई पर बुधवार को फैसला यहाँ पर सुनवाई होगी और इसके साथ ही 17 मई को भी जो पीड़ितों की तरफ से यहाँ पर याचिका दायर की गई है उस पर 17 मई को सुनवाई होने वाली है। क्या कहेंगे? देखिए इसमें जो पीड़िता की तरफ से जो एसएलपी पेश की गई थी उसे स्वीकार करते हुए अपील एडमिट कर ली गई है और ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है और इस मैटर के अंदर एक्सपीडियंसी से निर्णय किया जाएगा। और राज्य सरकार की ओर से भी इसमें अपीलें पेश की गई हैं, वो भी 17 तारीख को सुनवाई पर आएंगी। तो इस प्रकार ये जो मामला जो एक ऑनरेबल हाईकोर्ट के निर्णय के कारण समाप्ति की ओर जाता हुआ प्रकट हो रहा था, वो अब उसकी न्यायिक विवेचना के लिए पुनः माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आ गया है। जी बिल्कुल नाहटा जी, देखिए सरकार को और दोषियों को नोटिस भी यहाँ पर जारी किया गया है, कितने समय में जवाब देना होगा इसको लेकर कुछ जानकारी? देखिए ये एक प्रक्रिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की और सभी पक्षकार अब कोर्ट के सामने है, तो इसलिए जिस जिस भी पक्ष को जो जो कथन अपनी अपनी ओर से करना है वो उनको बराबर का मौका मिलेगा और पीड़ितों की भी सुनवाई का एक अधिकार है तो पीड़ितों को भी उनकी बात कहने का मौका दिया जाएगा। जी ठीक है मैं जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बातचीत के लिए। तो देखिए अगली सुनवाई जो है 17 मई को यहाँ पर होने जा रही है जिसमें पीड़ितों की तरफ से याचिका दायर की गई राजेश्वरी देवी और अन्य की अपील पर सुनवाई होगी 17 मई को। इसके साथ ही दूसरी याचिका जो राज्य सरकार की तरफ से यहाँ पर दायर की गई हाईकोर्ट को चुनौती देते हुए उस पर बुधवार को सुनवाई होनी है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।